राजा इंद्र के सामने से पारिजात के वृक्ष को लेकर के आ गया। राजा इंद्र को बड़ा भारी बुरा लगा। अब राजा इंद्र अब भी भूल गया कि ये भगवान है। राजा इंद्र ने भगवान को युद्ध के लिए ललकार मारा। अब भगवान तो भगवान है, भगवान के सामने कोई क्या टिकेगा? जिसने पूरी सृष्टि का अनवरण किया, संभरण किया, जिसने पूरी सृष्टि को पाला पोसा बड़ा किया, भला जो सृष्टि का पिता है, मान लो आज हम इस आश्रम के आधिपत्य हैं, महंत हैं, आश्रम सेवा दे रहे हैं, और कल के कोई कल के दिन कोई आओ हमारे दुकान में दे वो आश्रम से निकाल दे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आश्रम को सींचा, बड़ा किया, सब कुछ किया, और आश्रम को कोई और ले जाए तो पहली बार सुना। ऐसे ही राजा इंद्र भी भगवान को ललकारने लगा। भगवान को बड़ी हंसी आई और भगवान ने हंसी में आकर के राजा इंद्र के युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और गरुड़ पर बैठा करके स्वयं सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के इंद्रलोक पहुंच करके राजा इंद्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। महाराज सभी देवताओं ने भगवान के ऊपर एक सांस में कई हजार तीरों से प्रहार किया। राजा इंद्र की कई अक्षौणी अक्षुण्य सेना जिसने भगवान के ऊपर प्रहार किया, लेकिन विश्वास मानो भगवान के एक तीर ने लाखों तीरों को पकड़ पकड़ करके काट दिया, एक साइड कर दिया। चला युद्ध, भयंकर युद्ध। राजा इंद्र ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अनुसंधान को जाकर के रोक दिया। भगवान ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को जाकर के रोक लिया। अब तो भैया राजा इंद्र को बड़ा भयंकर बुरा लगा, सो राजा इंद्र ने भगवान के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया। भगवान ने भी हाथ में तुरंत चक्र को हाथ में ले लिया, छुंगली पर ले लिया। अब सभी देवी देवता कांप गए, एक हाथ में वज्र, एक हाथ में चक्र, अगर दोनों चल जाए तो पृथ्वी लोक में संपूर्ण विनाश हो जाए, कोई बचे ही ना। इतना भयंकर, इतना भयानक युद्ध की तीनों लोक में हाहाकार मचने लगा। मानो तीनों लोग हाहाकार की स्थिति परिस्थिति में जाकर के अनवरण करने लगे, संवरण करने लगे। तीनों लोग बड़े भारी भयंकर परेशान हो गए। भगवान ने भी हाथ में चक्र ले लिया, इंद्र ने वज्र का प्रहार ले लिया। अब भगवान जानते हैं कि अगर सामने मैंने चक्र का प्रहार किया या सामने से मैंने चक्र को चलाया तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। राजा इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, भगवान ने वज्र को पकड़ करके हाथ में ले लिया। राजा इंद्र का ऐरावत नाम का हाथी था, उसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो भगवान श्री कृष्ण के जो सारथी थे गरुण भगवान, उनने स्वयं ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर प्रहार करके उसको घायल कर दिया। अंत में भगवान ने ब्रह्म शिरस्त्र का प्रयोग किया। अब राजा इंद्र समझ गया। अच्छा, राजा इंद्र कई बार भक्त चुके भगवान के हाथ से, राजा इंद्र समझ गया अब बचने वाले नहीं। अच्छा, राजा इंद्र में एक और क्वालिटी है कि युद्ध भूमि पे अगर उसको लग गया कि बचेंगे नहीं तो दौड़ मारेगा। राजा इंद्र दौड़ मारने लगे, पिट करके भाग रहे। भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र अस्त्र का अनुसंधान किया लेकिन छोड़ा नहीं, पहुंच गए इंद्रलोक में, पराजय हो गए। राजा इंद्र जैसे ही आसन पर बैठे वैसे पत्नी ने आकर के कहा कि कितने निर्दयी हो, युद्ध लड़ करके आए और युद्ध में हार करके आ गए, हार करके इस इंद्रलोक में बैठ गए, पारिजात नाम का वृक्ष भी तुम्हारे हाथ से चला गया, तुम पे युद्ध नहीं बनता है, बैठ जाओ यहीं पर, तुम्हारे बस की ये युद्ध नहीं है, तुम ये युद्ध लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की युद्ध करना नहीं है, तुम बिल्कुल शांत रहो, अब की बार का युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगी। अब तो साफ क्या कहें, जैसे ही इतनी बातों को सुना वैसे राजा इंद्र की धर्म पत्नी भगवान से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। भगवान की धर्म पत्नी सत्यभामा भी बैठी थी। सत्यभामा ने भगवान से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। और सत्यभामा ने क्या किया, सत्यभामा ने राजा इंद्र की पत्नी से युद्ध करने के लिए तैयार है। सत्यभामा स्वयं लक्ष्मी है
अब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देखा कि ये इंद्र की पत्नी तो पागल है गई, सत्यभामा से जाकर के लड़ने के लिए तैयार हो गई। इंद्र की पत्नी को देख करके तुरंत देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने बृहस्पति जी महाराज ने प्रकट होकर एक सांस में राजा इंद्र की पत्नी को समझाया, अरे पागल, किसके ऊपर प्रहार कर रही है, किसको मानना चाहती है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, और ये जो माता तेरे सामने खड़ी हुई है ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये स्वयं माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी से लड़ने के लिए तैयार है जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, मनना है क्या तुझे, लौट जा अपने नगर की ओर। तब जाकर के इंद्र की पत्नी और इंद्र का स्वयं आंखें जो चकाचौंध में डूबी हुई थी वो खुली, खुल करके दोनों पति पत्नी भगवान के सामने आ गए और सामने आकर के हाथ जोड़ करके भगवान को नतमस्तक करने लगे। और भगवान भी इतने बड़े दयालु हैं कि तुरंत ऐरावत नाम के हाथी को छोड़ दिया और पारिजात नाम के वृक्ष को भी देने लगे। लेकिन राजा इंद्र ने कहा कि जाओ भगवान, ये वृक्ष आपका है, जब तक आप द्वारकापुरी में स्थित है जब तक ये वृक्ष वहीं पर रहेगा, और जिस दिन आप द्वारकापुरी को छोड़ करके वैकुंठ लोक में जाओगे उस दिन अपने आप स्वर्ग लोक में आ जाएगा। बजाया करो तो अच्छी ताली बजाया करो, फटी फटाई तो खराब लगती है। हाँ। पारिजात नाम के वृक्ष को भगवान लाए और राजा इंद्र के अपमान को भी भगवान ने चूर किया। बस भगवान एक ही बात कहते, भगवान को पाने का बस एक ही तुम गुरु मंत्र याद कर लो, कुछ नहीं, दो चीजें याद कर लो, एक अपने गुरु और इष्ट के प्रति श्रद्धा, और दूसरा क्या, दूसरा गुरु मंत्र ये है कि मरते मर जाना पैसे कितना बढ़ जाए, क्योंकि भगवान पहले पैसा बढ़ाते हैं फिर मन में विचार करवाते हैं कि व्यक्ति के प्रति अभिमान ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भगवान का ये नियम रहता है। और फिर अगर व्यक्ति को अपने आप में अभिमान है तो भगवान उससे कोसों दूर हो जाते हैं। तुम क्या,